दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिसेंट ट्रेंडिंग वीडियो में। गुड इवनिंग आप सबके लिए। एक नया गुड न्यूज़ है, फाइनली वो दिन ख़त्म हो गया जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वर्कअसिस्टेंट का स्क्रीन इन एंड आउट लिस्ट जारी कर दिया है। एग्जामिनेशन डेट अभी जारी नहीं हुआ है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पर। चलिए सिंपल यहाँ पर गूगल क्रोम मैंने खोल लिया, गूगल टाइप करूँगा। गूगल टाइप करने के बाद सिंपली यहाँ पर लिखिए BARC। ओके, पहला वेबसाइट खुलेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पर आपको कैरियर ऑप्शंस में आएगा, इक्विपमेंट, इंटरव्यू एंड रिजल्ट्स। क्लिक करने के बाद देखिए, पहला में ही आ गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019, रिक्रूटमेंट 3, प्रोविजनल स्क्रीन इन एंड स्क्रीन आउट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क असिस्टेंट ए, सिलेक्ट कर लीजिए। लोड ले रहा है। दोस्तों देखिए, डाउनलोड हो गया। टोटल पेज है 2545। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट दिया हुआ है। किसी किसी का इसके पहले मेल भी आया था, ये कॉपी पेस्ट किया है। तो इन स्क्रीनिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ अबव डिक्लेयर बिलो द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक द डिटेल अपलोडेड विद रिस्पेक्टिव देयर एप्लीकेशन नंबर। इन द केस एनी डिस्पेंडेंसी ओनली देन सेम विल इंटीमेट देयर ऑफिस थ्रू ईमेल दिया हुआ @parkroom टू मेंशन कैंडिडेट नेम एंड एप्लीकेशन नंबर 3/11/2019 तक। बोलना आने का मतलब बोल रहा है कि ये लिस्ट नीचे दिया हुआ है स्क्रीन इन का, इसमें किसी का नाम मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ या कास्ट में, तो अपना सिंपल नाम और एप्लीकेशन नंबर ईमेल आईडी में सेंड कर दीजिए 3/11/2019 से पहले, उस दिन या उससे पहले भेज दीजिए। ठीक है, और नोट पर दिया हुआ है कि इफ़ द कैंडिडेट नेम इन द ओरिजिनल स्क्रीन इन लिस्ट काइंडली डू नॉट सेंड एनी काइंड ऑफ ईमेल इन्फॉर्मिंग देम एंड डू नॉट मेक एनी टेलीफोनिक कॉल। एग्जामिनेशन डेट विल अपलोड ऑन डी कोर्स ऑफ टाइम। बता रहा है कि अगर जिस व्यक्ति का स्क्रीन इन लिस्ट में नाम है उसको, उसके लिए बहुत खुशखबरी है। काइंडली वो कोई SMS ईमेल के माध्यम से बताए नहीं कि हाँ मेरा स्क्रीन इन लिस्ट में मेरा नाम है, या कोई फ़ोन करके जानने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम का डेट के बारे में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि आपको वेबसाइट में देगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपको एग्जामिनेशन डेट जब अपलोड किया जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन इन लिस्ट में पहला नाम है कुसुम कुमारी, दूसरा हरितेश देव भवर। ठीक है, इसी का लिस्ट है। देखिए पेज तो बहुत सारे हैं, देखिए टोटल कितना कैंडिडेट को स्क्रीन इन किया है आज आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभ्यर्थी बहुत सारे हैं, आपको प्रिपरेशन अच्छा से करके जाना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। इसका एग्ज़ाम तो मुंबई में होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही होता है बेसिकली, उसके आसपास के स्कूल और कॉलेज में होगा। देखिए थोड़ा नीचे में चला गया, देखिए टोटल 119,570 जिसमें कैंडिडेट को स्क्रीन इन किया गया है, जिसमें लास्ट नाम है प्राजक्ता प्रदीप पंचंग, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। देखिए स्क्रीन आउट का भी लिस्ट है, मतलब कि किसी कारणवश इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए ये संजय कुमार है, OBC का रीजन बता दिया, डुप्लीकेट एप्लीकेशन बोल के बहुत सारा अभ्यर्थी है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन का एक रीजन है।
उसके बाद देखिए और कोई रीजन दिया है कि नहीं। मैं नीचे कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। इसका लिंक, ये नोटिस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। देखिए फिर ओवर एज का आ गया, ओवर एज है मतलब कि इनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, वो लोग भी अप्लाई कर दिए हैं तो नहीं होगा। देखिए फिर लास्ट में बोल रहा है कि फी नॉट पेड, पैसा जमा नहीं दिए हैं, नॉट अप्रूव्ड, किसी कारण में अप्रूव नहीं लिया गया है किसी कारण से, ये तो पता नहीं चल रहा है। स्क्रीन आउट कैंडिडेट में टोटल है 666 है, स्क्रीनिंग में है 119,000 कुछ समथिंग है। थैंक यू दोस्तों, जल्दी इसका एग्जाम डेट पता चलेगा। एडमिट कार्ड का लिंक मैं अपने यहाँ पर मैं अपने चैनल पर बता दूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जल्द से जल्द जिन लोगों का स्क्रीन लिस्ट में लिस्ट है वहाँ पर प्रिपरेशन तैयार रखें, जल्द से जल्द एग्ज़ाम होने के वाले ही है। कि एग्ज़ाम का डेट थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, इसी कारण लोगों ने डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट कुछ दिन के अंदर ही अनाउंस करेंगे। जब अनाउंस करेंगे मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू व्यूअर्स।